ओके सो हाय गाइस, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो कैसे मेरी YouTube फैमिली। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। पहला जो भाई है वो है अपना फ्री फायर। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी टाइम से। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे DM किया इंस्टाग्राम पे कि आसिफ भाई मेरे फ्रेंड्स है उसका जो ना फ्री फायर अभी भी चल रहा है, ठीक है। एंड आपको पता है भाई कि जो वो गेम जो वो 14 फरवरी को ही बैन कर दिया गया था। जी हाँ, उसके साथ 53 ऐप्स को भी बैन किया गया था, लेकिन फ्री फायर जो है वो अभी भी चल रहा है। तो इसके सर्वर्स कब बैन होने वाले हैं, साथ ही बात करूंगा आप लोगों के BGMI के बारे में। क्या BGMI दोस्तों जो है वो फिर से जो वो एक तरीके से डेड गेम होता जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो इतना ओवरव्यू काफ़ी है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ही मुश्किलों के साथ ये गेम लॉन्च हुआ है, एंड भाई लोग नहीं चाहते कि ये गेम फिर से बैन हो जाए इंडिया में। लेकिन दोस्तों देखा जाए ना तो भाई ये गेम ना एक तरीके से मतलब इंडिया के अंदर तो भाई काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन भाई एक तरीके से ना बहुत ही बुरी तरीके से ना ये एक चीज़ में फेल्ड हो रहा है, वो है दोस्तों हैकर्स को लेकर। जी हाँ भाई, गेम के अंदर इतने सारे हैकर्स हैं। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो भाई ये हर महीने में दोस्तों जो है वो मतलब लाखों अकाउंट्स को बैन करते हैं। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जब भी कोई नया अपडेट आता है जैसे कि 1.8 का, 1.9 का, जैसे अपडेट निकलता है भाई बाहर, वैसे ही दोस्तों जो हैक्स हैं वो यहाँ पर YouTube के ऊपर प्रमोट होने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि काफ़ी सारे जो लेजिट प्लेयर है जो भाई इस गेम को लेकर काफ़ी सीरियस है, इस गेम्स के थ्रू जो वो अपना करियर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक मतलब एक तरीके से सही चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि भाई वो अगर किसी भी चीज़ में मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, उसमें अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, वहाँ पर गेम के अंदर उसको हैकर मार रहा है, तो सोचो भाई कि वो कितना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा भाई इस गेम को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैकर्स है ना इस गेम को पूरी तरीके से लेकर डूब रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भाई एक बार तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि बड़े बड़े जो स्ट्रीमर है, ई स्पोर्ट प्लेयर है, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया था कि भाई हमको जो है वो ये गेम में फ्यूचर नहीं दिख रहा है, पूरी तरीके से जो है वो डेड होने वाला है, लोग जो है वो यहाँ पे पबजी न्यू स्टेट पे शिफ्ट करने की बातें कर रहे थे। लेकिन जब पबजी न्यू स्टेट आया तो भाई जो है वो भी एक तरीके से भाई जो है वो सही से नहीं चल पाया इंडिया में। जी हाँ, कड़वा सच। ओ भाई, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई अगर BGMI को डेड होने से बचाना है तो भाई यहाँ पे क्राफ्टन को जो वो कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इन हैकर्स को लेकर, जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस प्रमोट करते हैं, चीट्स को प्रमोट करते हैं, हैक्स को प्रमोट करते हैं, उनकी वीडियोस को यहाँ पे टेक डाउन करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई बड़ा एक्शन लेगा तभी भाई हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने कई बार रिपोर्ट किया हैकर को लेकर, भाई हैकर बैन भी नहीं होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत मुश्किल से बैन होता है। अगर आप लोगों ने रिपोर्ट किया कभी भी अगर बैन हुआ है तो मेरे को कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं फ्री फायर के बारे में। तो देखो, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था इंस्टाग्राम पे कि भाई फ्री फायर क्यों चल रहा है अभी, मतलब क्या के लिए चल रहा है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, सिंपल सा बात है, जब पबजी बैन हुआ था तो वहाँ पर भाई जो है वो टाइम दिया जाता है, लगभग 2 महीने का टाइम दिया जाता है भाई खुद को प्रूफ करने का कि भाई हम गलत नहीं है, भैया हमारा गेम गलत नहीं है, हमको अनबैन कर दो। तो वही चीज़ें सेम प्रोसेस आपको पता होगा भाई, BGMI के पबजी मोबाइल जो बैन हुआ था तो उसको भी टाइम दिया गया था, एंड बाद में दोस्तों जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं एंड भाई पूरी तरीके से जो जो उनका सर्वर था उसको शट डाउन कर दिया गया। आप लोग जब क्लिक करते थे ना, मतलब जब आप लोग VPN लगा खेलते होगे तो वहाँ पे आप लोग को एक नोटिफिकेशन भी दोस्तों जो दिखता होगा, ठीक है। अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पर दिखाता था कि भाई गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, अब यहाँ पर जो गेम पूरी तरीके से इंडिया में बैन हो गया है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अभी फ्री फायर को टाइम दिया गया लगभग 2 मंथ्स का। एंड हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोल दिया है कि वो फ्री फायर को अनबैन नहीं करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो फ्री फायर परमानेंटली इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, एंड ये जो 2 महीने का टाइम है वो मिड ऑफ अप्रैल में जो इसका एंड हो जाएगा, एंड उसके बाद जो है वो मतलब जो भी टेलीकॉम अथॉरिटीज़ है, जो भी मतलब भाई यहाँ पे जो सिम कंपनी होती है बेसिकली, वो लोग भी जो है वो सर्वर को पूरी तरीके से शट डाउन करेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का क्लियरली उनको जो नोटिस जाएगा, एंड उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उसके बाद दोस्तों फ्री फायर के जो सर्वर्स है वो इंडिया में पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सिंपल सा इसका जवाब है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। आपका जो भी कहना है इसके ऊपर मेरे को कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आप लोग को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।